अंतिम संस्कार हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसको कल सुबह तक किया जाए। पिताजी को का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों एक डेढ़ महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। ऐसा 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 संयोग सोचने से बाहर है, मानवीय सोच से बिल्कुल बाहर है। शारदा जी की मृत्यु छठ के दिन होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर के पटना के डीएम ने ये ऐलान किया है कि उनका जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद नजर आए हैं, इसमें से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे, साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और तमाम जितने भी नेता हैं वो सभी मौजूद थे। इस बीच जो है शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा से जब मीडिया ने सवाल किया तो वो अपनी माँ को याद कर भावुक हो गए और उनका गला भराया, उनके आंखों से जो है आंसू छलक पड़े अपनी माँ का नाम लेते ही। तो क्या कुछ कह रहे हैं अंशुमन सिन्हा, आप भी सुनिए। अरे ऐसे मत करो, बोली बोली तो ऐसा अंतिम संस्कार हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसको कल सुबह तक किया जाएगा। कल सुबह किया जाएगा, कहाँ होगा? चूँकि पिताजी को का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों एक डेढ़ महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे का कुछ कार्यक्रम देखे उनके बेटे अंशुमन, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके पे? ये प्रभु की अजीब लीला है, ऐसा 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 संयोग सोचने से बाहर है, मानवीय सोच से बिल्कुल बाहर है। शारदा जी की मृत्यु छठ के दिन होती है। तो शारदा सिन्हा के बेटे ने बताया है कि माँ शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर लाया गया है, उनका अंतिम संस्कार जो है कल सुबह किया जाएगा पटना के गुलबी घाट पर, और अपनी माँ का नाम लेते हुए ये कहते हुए नजर आए कि छठ के दिन ही छठी माई ने उन्हें अपने पास जो है बुला लिया है, और इतना कहते ही उनका गला भराया, तो बहुत ही भावुक नजर आ रहे थे। तो आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को पटना के राजेंद्र नगर वाले आवास पर ले जाया जाएगा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर जुटेंगे, और उसके बाद कल सुबह जो है उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पटना के गुलबी घाट पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।